नया टॉपिक चालू करने वाले हम, दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन या फिर मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन थ्री डायमेंशन, मतलब मिक्स सही है अभी, मोशन इन टू एंड थ्री डायमेंशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। तो दिस इज पेज नंबर 1 और नया चैप्टर है आज अपना ठीक है। मोशन इन 2D एंड 3D और मोशन इन अ प्लेन, तो ये हमारा आज का चैप्टर का नया चैप्टर है ना, मोशन इन 2D 3D और इन अ प्लेन। देखो यहां पर भी मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन, वन डायमेंशन में जो इक्वेशन हमने यूज किए थे वही यहां पर होंगे, लेकिन एक्स डायरेक्शन के लिए आप अलग यूज कर सकते हो, वाई डायरेक्शन के लिए आप अलग यूज कर सकते हो। तो मोशन इन अ प्लेन में डिस्कशन के लिए, जैसे हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन चैप्टर की शुरुआत की थी कि वहां पे डिस्टेंस का कैलकुलेशन, डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन, फिर वेलोसिटी का कैलकुलेशन, फिर एक्सीलरेशन का कैलकुलेशन, यही कैलकुलेशन अब यहाँ पर भी आने वाले, ठीक है। फिर से तो सबसे फर्स्ट, पहले तो आप मोशन इन टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन के अपन एग्जाम्पल्स अगर देखें, तो सपोज यहाँ पर मैंने एक कैरम बोर्ड लिया, दिस इज एनी कैरम बोर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे सपोज स्ट्राइकर है और ये इधर कहीं पे जा रही है ऐसा, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे है, एनी टाइम t पे यहाँ पे है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको डिस्कस करने के लिए, इसके मोशन को डिस्कस करने के लिए आप कोई भी दो एक्सिस चूज कर लोगे, सपोज ये एक एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे और ये वाई एक्सिस हो गया, तो दिस इज दियर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज दियर फाइनल पोजीशन, और फिर आप इनके पोजीशन वेक्टर लिख दोगे, ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो आप इनकी पोजीशन को इस तरह से शो कर सकते हो, फिर इसमें आप वेक्टर ले सकते हो कि एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, एक फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और किसको एक्स एक्सिस मानना है, किसको वाई एक्सिस मानना है, ये आपकी चॉइस होती है। आप इसको भी एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसको वाई एक्सिस मान सकते हो, और दूसरा आप ओरिजिन को, आप ओरिजिन यहां पर भी ले सकते हो, आप यहां पर भी ले सकते हो, दिस इज आल्सो योर चॉइस, या फिर क्वेश्चन पे दिया रहेगा, बट ओरिजिन किसको लेना चाहिए या इनिशियल पोजीशन क्या लेना चाहिए, जहां पर ऑब्जेक्ट टी इक्वल्स टू 0 पे रहता है उसको आपको क्या लेना चाहिए, ओरिजिन लेना चाहिए उससे। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है और सिर्फ आपको ही सॉल्व करना है, तो टेक इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज ओरिजिन, उसके बाद आप सुइटेबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करो। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्स एक्सिस ऐसा ले लो, वाई एक्सिस ऐसा ले लो, ले सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। तो आप एक्सिस का सिलेक्शन भी इस तरह से करें कि आपके जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत आसान रहे, या आप सिंपल तरीके से क्या कर सको, कैलकुलेशन कर सको। मतलब आप एक्सिस ऐसे भी ले सकते हो बेटा, यहाँ पे ऐसा एक्स एक्सिस ले लिए, ऐसा आपने डायगोनली आपने वाई एक्सिस ले लिए, तो फिर वहां पे आप कैलकुलेशन में उलझोगे। तो कैलकुलेशन करते टाइम हमें एक्सिस भी इस तरह से लेना चाहिए कि
कैलकुलेशन आपके सिंपल हो जाए, ठीक है। एंड ये तो कैरम के जो यहाँ पे कैरम की पोजीशन को शो करने के लिए, इसकी वेलोसिटी को शो करने के लिए आपको सिर्फ दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये रहेगा टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल, मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन पे ही आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन। और एक और हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। और आप किसी बॉल को किक कर रहे हैं एंड सपोज वहां पे एयर का इफेक्ट नहीं है या एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कि भाई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हमको कंसीडर नहीं करना है, अगर है तो फिर स्पेशली वहां पे सोचना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हमने एक फुटबॉल को लिया और इसको कुछ एंगल बनाकर यहाँ पर से आपने थ्रो किया, ये इस तरह से किक दिया आपने, तो इसका पाथ ऐसा कुछ आएगा, दिस इज एनी बॉल, ठीक है, और आपने यहां से कुछ एंगल बना के इसको इस तरह से थ्रो किया, तो ये जो बॉल है इसका पाथ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखो, अगर हम बॉल को यहां से थ्रो करते तो ये बॉल इस तरह से जा रही है, ये ऐसी, मतलब कर्व नहीं बनना चाहिए। अगर कर्व बन रही है बॉल में तो फिर आपको तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्स की भी, वाई की भी और जेड एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कर्व नहीं बन रही है, कर्व नहीं है यहाँ पे, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को आप क्या कंसीडर कर सकते हो भाई, एक्स एक्सिस कंसीडर कर सकते हो, वर्टिकल को आप वाई एक्सिस कंसीडर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। तो इसके डिस्कशन को भी आप टू डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसके मोशन को भी बेटा आप टू डायमेंशनली एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कर्व बन रही है, कि भाई आपने बॉल को यहाँ पे किक किया और ये बॉल ऐसी कुछ आ रही निकल के, तो फिर आपको एक एक्सिस की और जरूरत पड़ेगी डिस्कशन के लिए, समझ गया या नहीं। और अगर मान लो कर्व नहीं बन रही, आपने किक दिया और ये बॉल सीधी ऐसे जा रही, तो एक हॉरिजॉन्ट, इसका जो मोशन है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है और एक कौन से डायरेक्शन पे है, वर्टिकल डायरेक्शन पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का जो दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसकी जरूरत हमें नहीं है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसको भी टू डायमेंशनल मोशन आप इसको ट्रीट कर सकते हो, समझ गए या नहीं। कर्व नहीं बनना चाहिए, क्लियर हो गया, अभी यहाँ पे कर्व नहीं बन रही, मतलब जो ऑब्जेक्ट का मोशन है सिर्फ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रहा है। एंड वन मोर एग्जांपल इसी पे, जैसे यहाँ कहीं पे कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से आपने बॉल को यहाँ पर से सीधा इस तरह से कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया और ये ऐसी आपकी गिर रही, तो इसका जो मोशन है ये भी टू डायमेंशनली आप डिस्कस कर सकते हैं। आपने सीधा थ्रो किया, एयर नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही, तो बॉल ऐसा सीधा जाके गिरेगी, तो इसके मोशन को भी आप यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन और ये वाला हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लो, इसको वाई एक्सिस ले लो, इसको ओरिजिन ले लो, सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, ये भी टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। अगर आप एरोप्लेन के मोशन को देख रहे हैं, एरोप्लेन के मोशन को अगर देख रहे हैं, तो वो तो रैंडमली इधर उधर कहीं पर भी जा रहा है, तो वहां पे उसकी पोजीशन को डिस्कस करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी वहां पर, तो तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि नहीं, This is not a motion in a plane. ये भी motion in a plane है, हाँ, जहाँ पे two dimensional की जरूरत पड़ रही है, so this is also motion in a plane. क्योंकि यही एक plane है जिसमें vertical line और एक horizontal line आ रही है। और अगर आपको aeroplane का या फिर bird के motion को discuss करना है, तो वहाँ पे आपके two dimension से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ पे दो axis से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको एक और axis imagine करना है या लेना है, that is x axis, y axis and z axis,
तो फिर आप उसको मोशन इन अ प्लेन नहीं बोलोगे या टू डायमेंशनल मोशन नहीं बोलोगे, फिर वो मोशन कौन सा हो जाएगा आपका, थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। समझ गए या नहीं? अरे इतना डिस्कशन समझ गए, कोई डाउट अभी इंट्रोडक्शन में इस पे? हेलो, कोई डाउट अभी इस पे? हेलो है? तो आप अपने से इमेजिन करो कि टू डायमेंशनल वाले कौन कौन से मोशन आपको ऑब्जर्व होते हैं, थ्री डायमेंशनल वाले कौन कौन से ऑब्जर्व होते हैं। टू डायमेंशनल वाले कौन कौन से मोशन ऑब्जर्व होते हैं, थ्री डायमेंशनल वाले कौन कौन से ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, मान लो इस व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे कोई चींटी चल रही है, इस व्हाइट बोर्ड पे कोई चींटी चल रही है, तो उसका मोशन कौन सा रहेगा, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल? मान लो व्हाइट बोर्ड पे कोई चींटी चल रही है तो उसका मोशन टू डायमेंशनल, हाँ उसका मोशन कैसा रहेगा, टू डायमेंशनल, क्योंकि आप एक एक को एक्स एक्सिस मान लोगे और एक को क्या मान लोगे, वाई एक्सिस मान लोगे, और पूरे मोशन को क्या कर सकते हो आप, डिस्कस कर सकते हो। समझ गए या नहीं? समझ गए? हेलो सर। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे कोई मच्छर उड़ रहा है तो, इस रूम में अगर मान लो यहाँ पे कोई मच्छर उड़ रहा है तो डायमेंशनल मोशन, मैं यहाँ पे इस कमरे में चल रहा हूँ तो मेरा जो मोशन है वो कौन सा है, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल? थ्री। कैसे होगा बेटा, कमरे में मैं तो प्लेन पे चल रहा हूँ ना, वर्टिकल या मेरी कोई भी एक पोजीशन भी अगर है, मान लो मेरे हेड की पोजीशन है तो वो तो हमेशा इसी प्लेन पे रहेगी, ऐसा थोड़ी कि मैं झुक नहीं रहा हूं, मतलब सीधे चल रहा हूं, तो मेरे हेड की पोजीशन भी अगर आप देखोगे तो ये टू डायमेंशनल में ही आएगी ना, आया ना? अरे समझ गए, कमरे में अगर कोई चल रहा है, जैसे कमरे में कोई छोटा बच्चा एंड ही इज स्क्रॉलिंग ऑन द रूम, ठीक है, मान लो कोई छोटा बच्चा है वो कमरे में क्रॉल कर रहा है ना, क्रॉलिंग कर रहा है, रेंग रहा है, रेंगना समझ गए, सरक रहा है, तो उसका मोशन कैसा रहेगा, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन, आया ना? अरे समझ गए या नहीं सर? लेकिन कोई अगर स्टेयरकेस पे चल रहा है तो वो कौन सा मोशन होगा? तो थ्री डायमेंशनल होगा, अगर मान लो कोई नीचे से आया, पहले सड़क से आया, फिर उसका घर मान लो सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे, तो स्टेयरकेस से चढ़ा फिर ऊपर गया या फिर नीचे जा रहा है, तो वो फिर थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। समझ गए, वो फिर थ्री डायमेंशनल हो जाएगा या फिर प्लेन नहीं रहेगा, फिर वहां पे आपको उसके मोशन को डिस्कस करने के लिए तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। समझ गए, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अभी अपन इस पे आगे बढ़ेंगे, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? Now, पेज नंबर टू। अब तो जैसे मोशन इन अलोंग स्ट्रेट लाइन में हमने डिस्कशन किया था, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब डिस्कशन थे, तो यहां पर भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कैलकुलेशन, तो सबसे पहला आएगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय आर, यहां पे हम देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड देयर इज अ जेड एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, यहां पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y एंड z है, तो जो पोजीशन वेक्टर आएगा ये दिस इज RP इज द पोजीशन वेक्टर हियर, ठीक है, ये हो गया ओरिजिन और ये
पोजीशन वेक्टर बन गया बेटा यहाँ पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड है। तो पोजीशन वेक्टर अब लिखोगे कैसे पोजीशन वेक्टर को, अगर मान लो ये कोई पॉइंट पी है या कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपने मान लिया, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज एनी वर्ड और ये अभी इस पॉइंट पे लोकेटेड और ये ओरिजिन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे। नाउ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को ना शॉर्ट फॉर्म पे अपन पी भी लिख देंगे, सबसे अच्छा आगे भी ध्यान रखना। तो पोजीशन वेक्टर आर पी, या फिर आप इसको ओपी लिखोगे, एंड दैट इज गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये समझ गए, तो किसी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखोगे, दैट इज गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा, समझ गया या नहीं, पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखोगे। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, भाई हाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, आरपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप सिंपल आरपी लिख दोगे या फिर ओपी लिख दोगे, एंड दैट इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड सपोज दिस पोजीशन, ये जो पोजीशन है पी यहां पर, इसको हमको मेंशन करना है। ठीक है, आप जैसे कमरे में आपका फैन लगा होगा, आपको उसकी पोजीशन को किसी कॉर्नर के रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, आप किसी कॉर्नर के रिस्पेक्ट में अगर फैन की पोजीशन को आपको बताना है, जैसे आप एक एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूं, एक एग्जांपल ये है, नाउ पोजीशन ऑफ फैन इन अ रूम, किसी कमरे में फैन की पोजीशन, ठीक है, इन अ रूम। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू सम कॉर्नर, किसी कॉर्नर के लिए, कोई भी कॉर्नर आप इमेजिन कर लो आपके कमरे में, और उस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में आपको फैन की पोजीशन बताना है। तो आप यहाँ पे पहले बोलोगे क्या कि भाई जैसे मैं मान लो यहाँ पर के कॉर्नर में खड़ा हूँ, ये मेरा कॉर्नर हो गया, तो आप रूम को इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे रूम ये आपने बना दिया भाई, दिस इज एनी रूम, और ये 3D आपका रहेगा रूम यहाँ पे, दैट इज नॉट 2-dimensional। ये सपोज इधर पे x एक्सिस हो जाएगा, इधर पे आपका y एक्सिस हो गया, और ऊपर के डायरेक्शन पे आपने z एक्सिस ले लिया, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, x एक्सिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, y एक्सिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो एक ऊपर की तरफ है वो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, आपका वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा। अभी मान लो आपका जो फैन है वो यहां कहीं पे लगा हुआ है बीचों बीच में, ये फैन की पोजीशन आप देख रहे, दिस इज द फैन हियर, समझ गए, रूम में मान लो ये फैन लगा हुआ है। तो अब आप इसको इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे देखोगे, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपने कॉर्नर ले लिया, इसको ओरिजिन ले लिया आपने, दिस कॉर्नर इज टेकन एज ओरिजिन, तो आप यहां से पहले x एक्सिस की तरफ चलोगे, मतलब ये वाले डायरेक्शन पे, हो सकता है ये ईस्ट की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो या साउथ की तरफ हो, ठीक है। तो मान लो ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव x एक्सिस, ये ईस्ट की तरफ आपने ले लिया है, और ये जो डायरेक्शन है ये आपका हो गया नॉर्थ की तरफ, और जो वर्टिकल डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, आपका अप डायरेक्शन हो जाएगा। तो एक हो गया ईस्ट की तरफ, एक हो गया नॉर्थ। तो ध्यान रखना, जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ होते हैं, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ, ये एक ही प्लेन पे रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रहते हैं, और एक वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब आप क्या बताओगे, भाई आप जिस कॉर्नर पे खड़े हो वहां से पहले आप ईस्ट की तरफ चलोगे या एक्स एक्सिस की तरफ चलोगे। मान लो आप यहां से एक्स एक्सिस की तरफ चले इतना, और आप यहाँ पे कितने मीटर चले, 5 मीटर चले, आप इस कॉर्नर पे खड़े हो और कॉर्नर से आप एक्स एक्सिस की तरफ 5 मीटर चले पहले, और उसके बाद में ये कहाँ पर है, बिल्कुल बीचों बीच में है, तो यहां से आप वाई एक्सिस की तरफ आओगे फिर से,
ए, ओ से ए तक, ए से बी तक, आप यहाँ पे मान लो 3 मीटर चले, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ आप कितना चले यहाँ पे 3 मीटर, और आपको फैन तक अगर पहुंचना है तो फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एंड सपोज आप ऊपर कितना गए यहाँ पे 4 मीटर चले, समझ गए या नहीं, तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, फैन की पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो फैन की पोजीशन आप लिखोगे कैसे कि भाई जो पोजीशन है फैन की उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गए, 5, 3, 4। सो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ फैन, पोजीशन वेक्टर ऑफ फैन विल बी गिवन बाय 5i कैप + 3j कैप + 4k कैप। आप इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिखोगे फैन का, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो सर, एक बार वो थोड़ा सा वो कॉर्नर वाले से बताओ। अच्छा ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, दोबारा डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ये पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका हो गया है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर से, फिर बता दे रहा हूँ, दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। अभी मैं पेज नंबर 3 पे आता हूँ, एंड नाउ आई विल पुट सम डिफरेंट एग्जांपल हियर। तो ये सपोज एक रूम हमने लिया यहाँ पे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन, और ऊपर आ जाएगा z एक्सिस, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एंड सपोज दिस इज अलोंग ईस्ट, एंड दिस इज आल्सो अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड सपोज दिस इज अलोंग नॉर्थ, ये हो गया कोई कॉर्नर, ठीक है, दिस इज एनी कॉर्नर, और ये एक रूम हमने इमेजिन किया हुआ है यहाँ पे, समझ गए, एक रूम है ये, और वर्टिकल डायरेक्शन इज द जेड एक्सिस, समझ गए कि नहीं, एक रूम है यहाँ पे, और एक एक कॉर्नर को आपने ओरिजिन मान लिया, और ये ईस्ट की तरफ को आपने एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको आपने क्या ले लिया यहाँ पे, वाई एक्सिस ले लिया। अब हम पोजिशन देख रहे हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे कोई इंसेक्ट है या कोई मच्छर है, सपोज यहाँ कहीं पर कोई मॉस्किटो है, अभी देयर इज अ मॉस्किटो सिटिंग हियर, अभी यहाँ कहीं पे बेटा कोई मॉस्किटो है, ये पोजीशन पी पर है, तो आप इस कॉर्नर से ये टी इक्वल्स टू जीरो पे आपको दिख रहा है, या इनिशियली आपको यहाँ पे दिख रहा है टाइम टी आई, दिस इज टाइम टी आई पे आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको कैसे बोलोगे इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे अभी मॉस्किटो तक चल के जाना है, तो आप पहले ईस्ट की तरफ चलोगे यहाँ से, तो यहाँ से मॉस्किटो तक जाने के लिए आप कितना चलोगे, ओ से ए तक, ठीक है, समझ गए या नहीं, और ये यहाँ पे बीच में है इस तरह से, तो ये आप ओ से ए तक गए, एंड सपोज आप यहाँ पे कितना चले 5 मीटर चले, और फिर आप यहाँ पे y एक्सिस की तरफ, मतलब किधर मुड़ना पड़ेगा आपको, नॉर्थ की तरफ मुड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, एंड आप कौन सी पोजीशन पे पहुंच गए, b पे, एंड सपोज 3 मीटर, और अब आपको मॉस्किटो तक यहाँ पे पहुंचना है, तो आपको यहाँ पे सपोज 4 मीटर और ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा, तब आप मॉस्किटो की पोजीशन पे पहुंचोगे, समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ सर समझ गया, समझ गए, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है अभी, दिस इज देयर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये इसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज देयर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे भाई कि इसकी जो पोजीशन मॉस्किटो की, दिस इज 5, 3, 4।
अब ये मॉस्किटो यहाँ पे नहीं है, आफ्टर सम टाइम इट फ्लाइंग देयर और ये यहाँ कहीं पे आ गया, ठीक है, ये क्यू पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे कब आ गया, ये टीएफ टाइम पे आ गया। तो अब आपको ये वाली जो पोजीशन बतानी है, ठीक है, मान लो अब ये उड़कर यहाँ पर आ गया है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है 6.2, दैट इज 4 पे दिख रहा है ये, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन आपको दिख रही है। 1 मिनट, दिस इज नॉट द 4, ये वाई एक्सिस पे आपको 2 पे दिख रहा है और जेड एक्सिस पे सपोज आपको ये 1 पे दिख रहा है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन दिख रही है। तो इसका जो फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा वो ये रहेगा यहाँ पे, दिस इज दियर फाइनल पोजीशन वेक्टर, है या ना, समझ गए कि नहीं। तो अभी टी इक्वल्स टू टी आई पे यहाँ पे मॉस्किटो फिर उड़ के यहाँ पे आ गया, और आपने जैसे ये वाले इसकी पोजीशन को आपने लोकेट किए थे वैसे इसकी पोजीशन आपने लोकेट कर दिया यहाँ पे। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ सर, हाँ। तो इसके कोऑर्डिनेट ये दिख रहा है, तो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, अगर अपन पोजीशन वेक्टर्स की बात करें, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, या जिसको आप आरपी लिखोगे, दैट इज इक्वल्स टू 5i + 3j एंड देन +4k, आया ना, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा बन गया इसका, दैट इज इक्वल्स टू आर क्यू वेक्टर, और ये फाइनली आपको कहां दिख रहा है, 6i + 2j कैप एंड देन +k कैप में आपको इसकी फाइनल पोजीशन दिख रही, मतलब ये क्या बन गया, इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर बन गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हियर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा रहेगा, थोड़ा सोच के बताओ, विच इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जिसको आप पी क्यू वेक्टर बोलोगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो विच इज हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा आएगा यहाँ पे, नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये किसके बराबर है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, ये P से Q तक का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब यहां पर अगर आप ट्राइंगल रूल लगाते हो तो ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हो, ठीक है, तो कौन से ट्राइंगल में, ओपी क्यू में, आपको आपके पास क्या आएगा यहाँ पे इस ट्राइंगल में ओपी क्यू में, दैट इज ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको पी क्यू वेक्टर लिखना है तो आपको पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर पी करना, ये देखो यहाँ पर से भी दिख रहा है आपको। सो पी क्यू वेक्टर कैन बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास में, दैट इज आर पी वेक्टर एंड दिस इज आर क्यू वेक्टर, उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, आर क्यू वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर, या फिर दिस इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट इज गिवन बाय डेल्टा आर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको आप सिंपल एस वेक्टर लिख सकते हो या फिर आप डेल्टा आर लिखोगे, और डेल्टा आर मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आप ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो यहाँ पे आप अब इनकी वैल्यू को पुट कर दें, दैट इज 6i + 2j एंड +k कैप एंड -5i + 3j एंड +4k कैप, और आप इसको सिंप्लीफाई अगर कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज आई कैप माइनस जे कैप एंड देन -3k कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया डेल्टा आर, समझ गए या नहीं।
कोई डाउट अभी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ गए? अच्छा, इसमें एक दिक्कत ये होती है मोशन इन अ प्लेन में या मोशन इन थ्री डायमेंशन में, एक्चुअल में यहाँ पे ना डिस्टेंस पता नहीं चलता, डिस्टेंस का कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ है वो ये है, लेकिन अब इसको कैसे मेजर करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फिक्स ज्योमेट्री नहीं दिखेगी कि भाई सर्कुलर आर्क है वैसा भी नहीं दिखेगा, या कोई एक कर्व है तो फिर आप उसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस का कैलकुलेशन बहुत आसान था, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में किसका कैलकुलेशन आसान नहीं है? यहाँ पे किसका कैलकुलेशन आसान नहीं है? डिस्टेंस का। जैसे भाई आपके कमरे में कोई मच्छर उड़ रहा है और कोई भी रैंडम पाथ में वो जा रहा है, तो आप डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या तो उसका पूरा पाथ का कुछ आना चाहिए वहां पे, फिर आप रस्सी रखोगे वहां पे, फिर रस्सी को पूरा मोड़ते हुए वहां पे ले जाओगे, फिर रस्सी को सीधी करोगे, दैट इज दियर पाथ, दैट इज दियर डिस्टेंस। तो आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिस्टेंस का कैलकुलेशन यहाँ पे सीधे सीधे नहीं कर सकते, समझ गए या नहीं? मोशन इन टू डायमेंशन हो या मोशन इन अ प्लेन हो। अरे भाई समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? टू डायमेंशन में डिस्टेंस का कैलकुलेशन आसान नहीं है। अभी जैसे वो बच्चे वाला एग्जांपल अपन लेते हैं, मान लो कोई बच्चा है रूम में सरक रहा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा जो सिर्फ सरकना जानता है अभी, अब रूम के एक कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लो, अभी मान लो बच्चा कहीं पे, अब वो इधर उधर घूमते हुए इधर उधर कहीं गया, समझ गया या नहीं? तो कितना डिस्टेंस कवर किया, क्या आप उसके इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर वो सीधा चलता और सीधा वापिस आता तो आप निकाल सकते थे, लेकिन अगर वो कर्व में जाते हुए जा रहा तो फिर ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, किससे? कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो अब क्या कर दो, मान लो बच्चे को गीला कर दो आप, है ना, या कोई कलर लगा दो, अब वो जिस पोजीशन पे था वहां से रेंगेगा, सरकेगा और पूरा कलर भी छोड़ते जाएगा वहां पे। अब उसके बाद आप क्या कर लो, रस्सी ले लो और वो कलर के ऊपर रस्सी रख दो और फिर रस्सी को सीधी कर दो, दैट इज द डिस्टेंस कवर। अरे भाई समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी? हेलो, कोई डाउट अभी? समझ गए सर। हाँ, और अब जैसे गाड़ी हम जब चलाते हैं, टू व्हीलर जब हम चला रहे हैं, तो टू व्हीलर का जो मोशन है वो हवा में तो होता नहीं है, दैट इज टू डायमेंशनल, या फिर प्लेन की बात करते हैं तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, ऑडोमीटर, वहां पे देखना रीडिंग आती है, तो वो रीडिंग इसी तरह से आती है, आप जैसे जैसे चलोगे, जिस भी कर्व में चलोगे, वो पहिया जैसे जैसे घूमेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी रीडिंग आते जाती है, समझ गए? तो वहां पे जो ऑडोमीटर की रीडिंग होती है, दैट विल गिव द डिस्टेंस कवर, बट वो उनने डिफरेंट मैकेनिज्म यूज कर लिया। लेकिन जैसे बच्चे के मोशन की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, कि भाई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो निकालना बहुत मुश्किल है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, लेकिन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस का कैलकुलेशन बहुत आसान था, लेकिन मोशन इन अ प्लेन में डिस्टेंस का कैलकुलेशन आसान नहीं है, समझ गए या नहीं? क्योंकि एक्चुअल पाथ की ज्योमेट्री हमें नहीं पता, फिक्स ज्योमेट्री नहीं है यहाँ पे प्लेन पे। अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट भी समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कोई डाउट है डिस्प्लेसमेंट के लिए? डिस्प्लेसमेंट समझ गए या नहीं? हाँ सर। किसी को कोई डाउट डिस्प्लेसमेंट को लेके, पोजीशन वेक्टर को लेके? क्लियर हो गया ये पूरा, या कोई डाउट बचा है? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट के को लेकर कोई डाउट है क्या? पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट को लेकर कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर।